Very warm good evening to all of you for joining this session on spread trading. Myself, Rameshwar Rai from NCDEX. I looked after oilseed complex in NCDEX. Again, thanks all for joining this session. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस स्प्रेड ट्रेडिंग के वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए और अपना कीमती समय निकाल के इस वेबिनार में आने के लिए। आज के हम इस सेशन में स्प्रेड ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली हम ये मान के चल रहे हैं, आई अज्यूम कि जो लोग इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन किए हुए हैं वो लोगों का फ्यूचर्स मार्केट का एक बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग है और दे नोज अबाउट बेसिक्स ऑफ फ्यूचर्स मार्केट। तो नाउ वी विल प्रोसीड फॉर दिस स्लाइड। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर्स कैलेंडर स्प्रेड। बेसिकली स्प्रेड्स को जब हम लोग बात करते हैं तो उसको कैलेंडर स्प्रेड भी कहा जाता है। स्प्रेड्स और भी अलग तरीके के हो सकते हैं। तो स्प्रेड में बेसिकली एक स्ट्रेटजी है जिसके अंदर में जो ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स है दे हैव अ व्यू कि पर्टिकुलर किसी कमोडिटी के डिफरेंट मंथ के जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं डिफरेंट एक्सपायरी के अंदर में उनके बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के अंदर में उनका कोई व्यू होगा कि ये डिफरेंस किस लेवल पे होना चाहिए, ऑन एन एवरेज वो क्या होता है। अगर ऐसा कोई व्यू है और उसमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो साइमेंटेनियसली उसी कमोडिटी के फ्यूचर्स का किसी कैलेंडर मंथ में एक कैलेंडर मंथ में बाय करना और दूसरा कैलेंडर मंथ के अंदर में सेल पोजिशन लेना। This strategy is called as a calendar spread. अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जो पार्टिसिपेंट्स है let's say सोयाबीन के डिफरेंट मंथ के अंदर में कि नवंबर और दिसंबर दो कैलेंडर मंथ है अलग अलग और दोनों का एक्सपायरी डेट भी अलग अलग है। तो हम लोग अगर एक लेग को बाय करते हैं दूसरे लेग को सेल करते हैं तो दिस इज कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड्स के अंदर में जो पार्टिसिपेंट्स है दे नीड नॉट टू वरी अबाउट द प्राइस मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। उनको सिर्फ दोनों कैलेंडर मंथ के बीच का डिफरेंस है उस के मूवमेंट को ही ट्रैक करना है और उसके मूवमेंट से ही उनको इम्पैक्ट आएगा। जो इंडिविजुअल साइड पे आइदर प्राइस अपसाइड जा रहे हैं डाउनसाइड जा रहे हैं उस अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट से उनको कोई पर्टिकुलरली इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली देखिए कि इसमें कोई ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट कैसे प्रॉफिट कमा सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए सोयाबीन के अंदर में नवंबर एंड दिसंबर का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं दोनों मंथ का और अज्यूम करिए कि दोनों के बीच का एक ऑप्टिमल डिफरेंस 50 रुपीज के आसपास होना है। नॉर्मली जो हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं वहां पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के जो 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 कमोडिटी है उसका कॉस्ट ऑफ कैरी उसका ऑप्टिमल डिफरेंस होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैरी के अंदर में इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस उस कमोडिटी का स्टोरेज कॉस्ट ये दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं।
अगर हम लोग सोयाबीन की अभी करंट लेवल की बात करें तो जस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल 40 रुपीज इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया, 15 रुपीज कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग कॉस्ट हो गया, तो दैट कम्स टू 55 रुपीज। और मुझे लगता है कि ये पूरा 55 रुपीज का लेवल आना चाहिए। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अगर वो जो डिफरेंस है ये कम चल रहा है, लेट से ये 20 रुपीज के लेवल पे है, एंड आई एम अज्यूमिंग, आई एम प्रिडिक्टिंग कि ये डिफरेंस जो है ये मोर देन 50 के लेवल पे जाएगा, देन व्हाट आई विल डू कि आई विल बाय डिसेंबर कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल नवंबर कॉन्ट्रैक्ट। या फिर मेरा जो जो पोजीशन जो मेरा व्यू है ये अपोजिट है, तो देन आई डू सेल स्प्रेड ओवर देयर। तो वहां पे मैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करूंगा एंड नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करूंगा। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर में हमने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि बाय स्प्रेड किसको बोलते हैं और सेल स्प्रेड किसको बोलते हैं। तो जो भी 2 कैलेंडर मंथ के कॉम्बिनेशन के अंदर में हमको काम करना है, अगर बाय स्प्रेड की बात करूंगा तो जो नियर एक्सपायरी वाला है उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बाय करेंगे, सॉरी उसको सेल करेंगे नियर एक्सपायरी वाले को, और फार एक्सपायरी वाले को बाय करेंगे, तो दैट इज बाय स्प्रेड। और उसका जो जस्ट अपोजिट है वो सेल स्प्रेड हो जाएगा। लेट्स से हमको जनवरी एंड मार्च एक्सपायरी के अंदर में एक सेल स्प्रेड करना है, तो वहां पे मैं मार्च को सेल करूंगा या जनवरी को बाय करूंगा। तो कैलेंडर स्प्रेड्स के अंदर में काम करने के लिए जो ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास में अपना स्प्रेड्स का एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। लेकिन वी विल डिस्कस दोस फैक्टर्स ऑन अ लेटर स्लाइड्स। बेसिकली अगर स्प्रेड की हम लोग बात करें तो कैलेंडर स्प्रेड्स जो है वो एक सिंगल या इंट्रा कमोडिटी में भी हम लोग कर सकते हैं। मोस्टली जो नॉर्मली मार्केट के अंदर में स्प्रेड्स के पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंट्रा कमोडिटी में ही ज्यादा ट्रेड करते हैं। इंटर कमोडिटी के भी कैलेंडर स्प्रेड कर सकते हैं, और काफी ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस टाइप का भी ट्रेड बैठाते हैं, उनके पास में उसका अंडरस्टैंडिंग होता है। तो जैसे लोगों के लिए फेवरेट सोयाबीन एंड आरएम सीड का बीच का एक इंटर कमोडिटी स्प्रेड्स में भी लोग ट्रेड करते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए, हिस्टोरिकल क्या डिफरेंस रहा हुआ है, उस चीज को ट्रैक करते हुए। अगर स्प्रेड ट्रेडिंग की हम लोग बात करें तो इसको हम लोग अलग अलग डेफिनेशंस में, जैसे रेंज ट्रेडिंग के अंदर में अगर स्प्रेड का हमको एक रेंज मिला हुआ है कि उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर में स्प्रेड को ट्रेड करना है, काइंड ऑफ बॉटम के लेवल पे उसको बाय कर सकते हैं, टॉप लेवल पे जो रेंज है उस पे सेल कर सकते हैं। ऑल्दो प्रैक्टिकली ऐसा रेंज हमेशा रेंज के अंदर में ही ट्रेड करेगा किसी कमोडिटी का कैलेंडर स्प्रेड, ऐसा भी नहीं होता है। देर आर मेनी एट टाइम्स की जो जो कैलेंडर स्प्रेड है वो रेंज को भी ब्रेक करेगा, क्योंकि हर साल कमोडिटी के जो स्प्रेड्स है या कमोडिटी के फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो वेरी करते हैं। और फिर चाहे तो कोई पार्टिसिपेंट्स ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और स्केल ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाइंग लो सेलिंग हाई। फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बट जैसे मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ वन हैज टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड इट्स हिस्टोरिकल पैटर्न, उसका फंडामेंटल्स, बिकॉज कैलेंडर स्प्रेड्स के अंदर में ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और अकॉर्डिंगली उसका इम्पैक्ट स्प्रेड्स मूवमेंट में आता है।
ट्रेडिंग के एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल लेग पे या फिर नेकेड पोजीशन जब हम लेते हैं, कोई भी पार्टिसिपेंट्स अगर वहाँ पे बाइंग या सेलिंग का कॉल ले रहे हैं किसी कमोडिटी में, तो देर इज लॉट ऑफ रिस्क ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, और स्प्रेड के अंदर में वो पोजीशन, वो जो जो रिस्क क्वांटम है ये बहुत लोअर लेवल पे हो जाता है। स्प्रेड्स के थ्रू आप ये भी देखेंगे कि जो फिजिकल ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना जो रोल ओवर है वो स्प्रेड्स के थ्रू ही कर रहे हैं, और वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है जिसके स्प्रेड्स के थ्रू रोल ओवर करने के लिए। अगर स्प्रेड्स की बात करें तो किसी के पास में जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो दे आर इजियर टू एनालाइज, मोर प्रेडिक्टेबल, कंसिडर्ड लेस रिस्की एज दे आर लेस वोलेटाइल। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्प्रेड्स के अंदर में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये काफी कम रहता है। वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना रहता है। देर आर सम फैक्टर्स और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच डू इम्पैक्ट द स्प्रेड स्प्रेड मूवमेंट, तो उन फैक्टर्स को किसी भी पार्टिसिपेंट को कंसीडर करना है या ध्यान में रखना है बिफोर टेकिंग अ स्प्रेड पोजीशन, लाइक सप्लाई एंड डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, देन उसका कॉस्ट ऑफ कैरी कितना है। लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया सोयाबीन के अंदर में अगर हम लोग करेंट कॉस्ट की बात करें तो 50 to 55 इज द लाइक ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ कैरी फॉर सोयाबीन। तो अगर कोई फिजिकल पार्टिसिपेंट्स अपने सेल्फ वेयर हाउस में सोयाबीन को स्टोर न रख के फ्यूचर्स के अंदर में पार्टिसिपेट करता है तो उसका जो जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट है ये कम है, अदरवाइज उनको अपने वेयर हाउस में रखने के लिए पूरे के पूरे एक्सपेंसेस बियर करना होगा, पूरा फुल इंटरेस्ट कॉस्ट बियर करना होगा, साथ में कमोडिटी को स्टोर करना होगा, उसका वेयर हाउसिंग कॉस्ट, फिर उसके हैंडलिंग लॉसेस, ये सारा कुछ भी जो है ये उस पार्टिसिपेंट्स को बियर करना होगा। तो वो जो पार्टिसिपेंट्स है अगर उसको ऐसा दिख रहा है कि उस कॉस्ट से कम में अगर फ्यूचर्स के अंदर में वो अपना पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो लोग अकॉर्डिंगली एक मंथ में बाय करके और फिर अपना बाय पोजीशन को नेक्स्ट मंथ के अंदर में बाइंग ले जाएंगे करंट मंथ का पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके। तो वहां पर वो जो पार्टिसिपेंट है वो एक डिफरेंस पे करेगा सेलर को, बेसिकली वो डिफरेंस सेलर्स पास में जाएगा और ऑन अ नॉर्मल सिनेरियो वो कॉस्ट ऑफ कैरी के आसपास का होना चाहिए। पर उसके साथ भी बहुत सारे फैक्टर्स वर्कआउट करेंगे लाइक ईडीडी क्वांटिटी, एक्सचेंज डिलीवरेबल डेट, ईडीडी स्टैंड फॉर एक्सचेंज डिलीवरेबल डेट। हर एक कमोडिटी जो भी एक्सचेंज के या फिर एनसीसीएल हमारा जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसके अक्रेडिटेड वेयर हाउस के अंदर में एक बार जब इनिशियली या अपने बिगिनिंग में डिपॉजिट होगा तो इट विल गेट इट्स एक्सचेंज डिलीवरेबल डेट कि उसका लास्ट कौन सा डेट तक वो एक्सचेंज के सेटलमेंट के अंदर में उसका फिजिकल डिलीवरी हो सकता है। तो यहाँ पे वो कैसे फैक्टर है या फिर कैसे इम्पैक्ट करेगा स्प्रेड मूवमेंट को, लेट से मार्केट के अंदर में फिजिकल कमोडिटी का डिमांड कम है, पर्टिकुलर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोसेसिंग कम हो रहा है और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत बड़ा क्वांटिटी किसी एक्सपायरी के अंदर में ईडीडी वाला मटेरियल है जो कि लेट से कि अप्रैल के अंदर में 50,000 टन का सोयाबीन जो है वो ईडीडी वाला मटेरियल है वहां पे, तो नॉर्मली मार्केट ये अज्यूम करके चलेगा कि वो उसका फिजिकल डिलीवरी एक्सचेंज क्लियरिंग सिस्टम से होगा। तो वहां पर फिर बायर को अगर फिजिकल डिलीवरी नहीं चाहिए है तो उसको वो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ कैरी जो है या एक्स्ट्रा स्प्रेड क्वांटम देना होगा, अदरवाइज सेलर उसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर में अपना जो भी उसका होल्डिंग है उसको वो डिलीवरी मार्क करेगा और बायर नहीं चाहता है। ऑब्वियसली अगर फिजिकल डिमांड नहीं है तो बायर नहीं चाहेगा, उसके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे देगा उस कैलेंडर स्प्रेड के अंदर में। तो ऐसे भी स्प्रेड का मूवमेंट होता है
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। साथ साथ फिर हिस्टोरिकल एनालिसिस देखना होगा कि लास्ट के 5-10 साल के पीरियड के अंदर में कैसे वो मूव किया हुआ है। फिर चाहे तो वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस भी लगा सकते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं। हाँ, इसमें एक और भी चीज है कि जो 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 एक्सचेंज के मार्जिन्स हैं वो भी स्प्रेड बेनिफिट कैलकुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। मार्जिन्स का रिक्वायरमेंट को मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी देखिए कैलेंडर स्प्रेड्स के अंदर में जैसे हम लोग सोयाबीन की बात कर रहे थे, मैंने यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स का कैलेंडर स्प्रेड का नियर मंथ और नेक्स्ट मंथ का कैलेंडर स्प्रेड के बीच में सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल का कैलेंडर स्प्रेड्स के मूवमेंट को डिपिक्ट किया हुआ है। तो ऑन एन एवरेज अगर सोयाबीन के अंदर में आप देख रहे हैं कि एक अच्छा क्वांटिटी अगर वेयरहाउसेस में डिपॉजिट हो जाता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अराउंड एवरेज 1.5% से लेके 2% तक का एक कैलेंडर स्प्रेड्स अवेलेबल रहता है सोयाबीन के अंदर में। अभी की बात करें हम लोग तो अगर सोयाबीन के प्राइसेस 40 रुपीज हम कंसीडर कर रहे हैं, बेसिकली अभी तो वो 42-43 है, 40 रुपीज की कंसीडर करने पर भी ये 60 रुपीज के आसपास पे आ रहा है 1.5%, जो कि 16, 15, 16, 17, 18 तक ये स्प्रेड्स का लेवल अवेलेबल था। उसके बाद में हमने लास्ट 2 ईयर्स के अंदर में देखा कि कुछ सब्सटेंशियल क्वांटिटी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के अंदर में डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो वी कैन रिलेट कि जब अगर एक्सचेंज के अंदर में बड़ा क्वांटिटी या नहीं डिपॉजिट हो रहा फिजिकल डिपॉजिट्स, तो उस समय पर फिर कैलेंडर स्प्रेड्स अवेलेबल नहीं रह रहे हैं। कैलेंडर स्प्रेड्स का जो लेवल काइंड ऑफ 1.5% या 2% तक का है वो अवेलेबल नहीं रह रहा मार्केट। यहाँ पे हम लोग स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो देखिए स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट का कैलकुलेशन जो है, स्प्रेड मार्जिन जो बेनिफिट है वो इनिशियल मार्जिन प्लस कैश मार्जिन और एडिशनल मार्जिन्स के ऊपर में अवेलेबल रहेगा, बट जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है ईएलएम है उस पे स्प्रेड बेनिफिट में स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट के अंदर में ईएलएम के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये कौन कौन से केसेस में स्प्रेड बेनिफिट मिलेगा, जैसे हम लोग अभी पहले बात किए थे कि इंटर कमोडिटी भी अवेलेबल है और इंटर कमोडिटी भी लोग ट्रेड करते हैं, तो स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट जो है वो सिर्फ इंट्रा कमोडिटी के अंदर में मिलेगा, मतलब सोयाबीन टू सोयाबीन मिलेगा या फिर ग्वारसीड टू ग्वारसीड मिलेगा या फिर एक ही पर्टिकुलर कमोडिटी के दो अलग अलग एक्सपायरी के अंदर में अगर टू डिफरेंट पोजिशन है तभी वो ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन साथ में एक और इसमें रिलैक्स कंडीशन है, अगर दो कमोडिटी के बीच में कोई दो कमोडिटी के बीच में कोरिलेशन जो है वो मिनिमम 90% का कोरिलेशन आ रहा है और वहां पे बैक टेस्टिंग करके जो M2M का बेनिफिट M2M भी अगर लास्ट 250 डेज के अंदर में और उसका 99% ऑफ डेज के अंदर में इनिशियल मार्जिन का अगर वहां पे M2M कवर कर रहा है दो कमोडिटी के बीच में तो भी वहां पे स्प्रेड बेनिफिट स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे अभी हमारे पास में इंट्रा कमोडिटीज के अंदर में ग्वारकम और ग्वारसीड के अंदर में ये बेनिफिट अवेलेबल है। और इसमें जो मार्जिन एप्लीकेबल होगा वो 25% मार्जिन एप्लीकेबल होगा। तो फाइनली अगर हम लोग इसको समराइज करें स्प्रेड ट्रेडिंग को या स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट्स और इसको हम लोग अगर समराइज करें तो देखिए कि
स्प्रेड इंस्ट्रूमेंट, स्प्रेड कैलेंडर स्प्रेड इंस्ट्रूमेंट इज लेस वोलेटाइल इन कंपैरिजन टू आउटराइट्स। किसी कमोडिटीज के अंदर में अगर आउटराइट के अंदर में काम करना है, नेकेट बाइंग या सेलिंग पोजिशन लेके कॉल करना है, तो वो काफी ज्यादा वोलाटाइल होता है, दैट इज क्वाइट रिस्की। तो ये कंपेरेटिवली वोलाटिलिटी भी इसके अंदर में कम रहेगा और लेस रिस्की रहेगा। साइमल्टेनियसली लेकिन कैलेंडर स्प्रेड्स के अंदर में जो प्रॉफिट्स हैं या फिर अपोजिट साइड पे लॉसेस हैं वो भी काफी छोटे क्वांटिटी में रहेंगे, छोटा अमाउंट में रहेगा। स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट जो अवेलेबल है तो वो एक काफी अच्छा एडवांटेज है कह सकते हैं स्प्रेड ट्रेडिंग के अंदर में, जहाँ पे कि लोग बड़े वॉल्यूम्स में भी काम कर सकते हैं और ऑल्दो वो रिस्की भी कम है, अगर किसी के पास में स्प्रेड्स का एक अपना अंडरस्टैंडिंग है और उनके पास में एक डायरेक्शन है या किस लेवल तक कौन सा स्प्रेड पहुंचेगा तो दे कैन टेक अ बिगर पोजिशन विद अ लोअर अमाउंट ऑफ मनी। साथ में कैलेंडर स्प्रेड का एक बड़ा एडवांटेज उस समय पे मिल सकता है जबकि पर्टिकुलर किसी कमोडिटी के अंदर में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है और वहां पे अगर सर्किट पे ट्रेड हो रहा है, सर्किट लगा हुआ है, अपर हो या लोअर हो, उस समय पे पोजीशन रोल करने के लिए कैलेंडर स्प्रेड अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में अगर कुछ जैसे स्प्रेड ट्रेडिंग को लेके आपके पास में कुछ और क्वेरीज है या किस पर्टिकुलर कैलेंडर स्प्रेड का क्या पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है या फिर उसका हिस्टोरिकल पैटर्न कैसा रहा हुआ है, तो यू कैन डायरेक्टली रीच टू द प्रोडक्ट मैनेजर्स ऑफ रेस्पेक्टिव कमोडिटी। हमारे यहाँ पर NCDEX की वेबसाइट के अंदर में प्रोडक्ट मैनेजर्स का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैनेजर को रीच आउट कर सकते हैं एंड आल्सो दे कैन हेल्प फॉर हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ स्प्रेड मूवमेंट इन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। सो हियर वी कम फॉर एंड ऑफ दिस सेशन। आप लोग अपने पैनल पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन एंड आंसर्स Q&A टैब देख रहे होंगे, अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो रिलेटेड टू स्प्रेड्स एंड स्प्रेड ट्रेडिंग तो दे कैन राइट डाउन देयर क्वेश्चंस और क्वेरी। So, I think there are no queries or no questions from the side of participants. So, we will end this session here. Again, thanks all for joining this webinar on spread. Have a good day.